नमस्कार प्यारे बंधुओं, आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के तहत मौर्य उत्तरकालीन भारत की कला स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। इस मौर्य उत्तरकालीन भारत में कला के अनेक नवीन शैलियाँ और नवीन संरचना का भव्य विकास हुआ। वास्तव में इस काल में अनेक विदेशी जातियाँ भी भारत के अंदर शासन करने के लिए आई और व्यापार करने के लिए आई, और साथ ही साथ ये विदेशी शासक जातियाँ और व्यापारिक जातियाँ अपने साथ साथ सांस्कृतिक विकास का आवागमन भी भारत की ओर और भारत से बाहर की ओर किया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में इस काल में मुख्यतः स्तूपों, चेतियों, विहारों और मंदिरों का निर्माण हुआ था। वास्तव में मौर्य उत्तरकाल में मंदिरों का निर्माण बहुत कम, केवल एक साक्ष्य मिलता है। विशेषतः मंदिरों का विकास गुप्त काल में हुआ था, फिर भी स्थापत्य कला के इस काल में मंदिरों का निर्माण लगभग प्रारंभ का माना जाता है। फिर मूर्तिकला का विकास इस मौर्य काल में स्पष्ट रूप से प्रारंभ। इस काल में मूर्तियों के मुख्य तीन केंद्र थे, गंधार, मथुरा और अमरावती। मूर्तिकला के विकास में गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली के बारे में बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो मौर्य उत्तरकालीन कला के विकास के अंतर्गत इसके बारे में लिखा जाता है, या इनके बारे में 50 शब्दों के अंदर कोई एक सवाल तीनों कला में से पूछा जाता है। इसलिए मौर्य उत्तरकालीन मूर्ति कला का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर चित्रकला, इस मौर्य उत्तरकालीन काल में ही मध्य प्रदेश के अजंता के अंदर चित्रकला का विकास हुआ था। फिर संगीत, नृत्य और नाटक आदि का भी विकास मौर्य उत्तरकाल में होता। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसके स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। इस तरह के मूर्तिकला और चित्रकला के विकास को हम भारतीय मानचित्र के अंतर्गत निम्न प्रकार से दर्शा करके उन प्रश्नों के उत्तर में रोचकता, भव्यता ला सकते हैं। मौर्य उत्तरकाल में विविध कला शैलियों और रूपों के भव्य विकास के लिए जाना जाता है। इस काल में अखिल भारतीय स्थापत्य के विविध रूपों जैसे स्तूपों, चैत्यों, विहारों, मंदिरों, विविध प्रकार की मूर्तियों, चित्रकलाओं, संगीत, नृत्य आदि की भव्य विकास होता है। वास्तव में इस काल में इतना अधिक कला के विकास का कारण क्या था? अगर हम इसके कारणों पर प्रकाश डालें तो स्पष्ट रूप से इस काल के जो आर्थिक परिवेश था, जो राजनीतिक परिवेश था, जो धार्मिक परिवेश था, जो सामाजिक परिवेश था, वो किसी न किसी तरह से इन कलाओं के विकास के लिए उत्तरदायी था। तो आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, धार्मिक कारणों से और राजनीतिक कारणों से इस काल में स्थापत्य कला का सर्वांगीण विकास हुआ था। आर्थिक कारण, मौर्य उत्तरकाल में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, नगरीकरण आदि के अभूतपूर्व प्रगति हुई। इसे किसानों, शिल्पियों, उत्पादकों, व्यापारियों आदि को तो काफ़ी आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ ही, इस लाभ का निवेश विभिन्न कलाकृतियों के निर्माण में भी हुआ था, जिसके कारण इस कलाओं का विकास हुआ था। आर्थिक विकास के कारण आंतरिक और विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में, और विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में होने के कारण कई विदेशी शासक और विदेशी व्यापारी और विदेशी दूत मंडल और व्यापारिक मंडल भारत आए थे, और उन्होंने भारत के आर्थिक विकास के साथ साथ भारत के सांस्कृतिक विकास में भी अपना योगदान दिया था। इसी प्रकार धार्मिक कर्म, मौर्य उत्तरकाल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भक्ति नामक नई विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसके तहत माना जाता है कि ईश्वर की कृपा ये मोक्ष के लिए हृदय से पूर्ण समर्थन दिखलाते हुए इसे प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के लिए देवी देवताओं की प्रतिमा का निर्माण जरूर व्रत महसूस की गई,
और इसे मूर्ति निर्माण को बल मिला और पुण्य देवताओं के लिए आश्रय की आवश्यकता हुई और इसी के कारण मंदिर निर्माण की संभावनाएं प्रकट हुई और कालांतर में मंदिर निर्माण और मूर्ति कला का महत्वपूर्ण विकास हुआ। सामाजिक कारण, मौर्य उत्तरकाल में सामाजिक आत्मसातीकरण का काल था। इस काल में अनेक विदेशी भारत आए तथा भारतीय समाज और संस्कृति से निकट से जुड़ने लगे थे और विदेश के द्वारा भी अनेक कलाओं के विकास को सहयोग दिया गया था। भारत के देशी समाज द्वारा इस काल में कलाओं के विकास के लिए बड़ी मात्रा में सामूहिक दान दिया गया था। इससे भारत में सांस्कृतिक और कलात्मक विकास में काफ़ी बल मिला था। भारत के इस काल में कला और स्थापत्य के विकास में राजनीतिकरण एक बहुत बड़ा कारण था। इस राजनीतिक कारण के कारण ही अन्य कारण संभव हुए थे। कलाओं के विकास में शासकों ने भी अपना योगदान दिया। देशी और विदेशी सभी शासकों ने कलाओं को अपना संरक्षण, सहयोग और संवर्धन किया था। इसी प्रकार गंधार और मथुरा कला को यूनानियों और कुषाणों ने संरक्षण दिया था। इस प्रकार सांची व भरहुत के स्तूप के विकास में शुंगों ने काफ़ी सहयोग दिया था। उड़ीसा के उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों पर खारवेल द्वारा 35 गुफाओं का निर्माण किया गया था। पश्चिम घाट की पहाड़ियों में सातवानों के संरक्षण में बांजा, चुन्नार, नासी, कारले, अजंता आदि की पहाड़ियों अनेक क्षेत्रीय विहारों का निर्माण किया गया था और अमरावती में भी संगमरमर के पत्थरों का द्वारा निर्मित मूर्तियाँ और क्षेत्रीय और विहारों का निर्माण किया गया था। इस प्रकार धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के संपूर्ण योगदान के कारण ही मौर्य उत्तरकाल में कला का विकास हुआ था। अब इसके तहत स्थापत्य कला के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य उत्तरकाल में स्तूपों का भव्य विकास हुआ। शुंगों के संरक्षण से सांची एवं भरूच की पुराण स्तूपों का और अधिक विकास और विस्तार हुआ था, जबकि अमरावती और नागार्जुन और पेशावर आदि में अनेक नए स्तूप बनाए गए थे। स्तूपों के विभिन्न अंग प्रत्यंगों जैसे तोरण द्वारा वेदिकाओं पर हीनयानी और महायानी परंपराओं के अनेक कलात्मक शिल्प भी बनाए गए थे। साथ ही आम लोगों के जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे यक्ष, यक्षिणी प्रतिमाएं, नाग, गंधर्व, अप्सरा, पुष्पलता, वल्लरी आदि के शिल्प तथा जातक कहानियों के शिल्प भी बनाए गए थे। इस प्रकार इस काल में बने स्तूपों, स्थापत्यों, शिल्प कलाओं का अद्भुत उदाहरण मिलता है। स्तूपों का विकास अर्थात स्तूप स्थापत्य, वास्तव में स्तूप है क्या, इसका अर्थ क्या, इसकी बनावट कैसी है, स्तूप किस किस प्रकार के हैं, स्तूपों का उद्भव विकास कैसे उत्तरोत्तर बढ़ता गया था, दर्शन कला और अन्य पक्ष में स्तूप कला का क्या योगदान। वास्तव में स्तूपों का निर्माण मौर्य पूर्व काल में हो गया था। अशोक काल में स्तूपों के विकास को गति मिली थी और मौर्य काल में इसमें कलात्मक भव्यता आई थी और फिर धीरे धीरे गुप्त और गुप्तोत्तर काल में स्तूप कला धीरे धीरे कम होती गई। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, सूप आदि। स्तूप समाधि का प्रतीक है जो किसी संत या आचार्य के मृत्यु की यादगार में उसके स्मृति में बनाए जाते हैं। स्तूप के विभिन्न अंग प्रत्यंगों को मिलकर बना एक स्थापत्य है। इसका मुख्य भाग भंड कहलाता है जो उल्टे कटोरे की भांति और अर्धगोला का संरचना होती है। मुख्य भाग अंडा का जो अंड होता है वो उल्टे कटोरे की भांति अर्धगोलाकार होता है। अंड के ऊपर आड़े तिरछे पत्थरों की एक संरचना होती है जिसे हर्मिका कहा जाता है। स्तूपों के चारों तरफ आड़े तिरछे पत्थरों का एक घेरा बना होता है जिसे वेदिका कहते हैं। ये वेदिका स्तूप और उसके चारों ओर के जो घेरादार दीवार या बाड़ होती है उसे वेदिका कहा जाता है। वेदिका तथा अंड के बीच में खाली स्थान होती है जिसके इसके चारों ओर परिक्रमा दी जाती है। इसे प्रदक्षिणा पथ के रूप में जाना जाता है और इस स्तूप के चारों ओर
प्रवेश द्वार होते हैं, जिन्हें द्रोण द्वार भी कहा जाता है। इस चित्र के अंदर इस अंडाकार स्तूप को बनाया गया है, इसके ऊपर हर्मी का जो पवित्रता का प्रतीक है, इसके अंदर महात्मा बुद्ध के अवशेषों या बोधिस्तव के अवशेषों को रखा जाता है, और हर्मिका के ऊपर छत्र होते हैं। इस अंड के चारों ओर वे वेदिका के बीच में कुछ खाली जगह होती है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, और इस वेदिका के अंदर चारों ओर किसी या किसी एक दिशा के अंदर द्वार होता था, जिसे तोरण द्वार कहते हैं। स्तूपों की भव्यता तोरण द्वार और वेदिकाओं के आधार पर भी मानी जाती है। स्तूप कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से मुख्य शारीरिक स्तूप, जिसमें महात्मा बुद्ध के शरीर की कोई अंग रखे जाते हैं, पारभौमिक स्तूप, जिसमें बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं का रखा जाता है, उद्देश्य का स्तूप, बौद्ध धर्म के प्रचार के उद्देश्य से बनाया जाता है, और पूजार्थक स्तूप, जिसमें बुद्ध की पूजा के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। वास्तव में स्तूपों की प्रथम चर्चा तो ऋग्वेद में मिलती है, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे बौद्ध काल में और फिर मौर्य काल में स्तूपों का बहुत अधिक विकास हुआ, और स्तूपों की भव्यता और कलात्मकता विकास मौर्य उत्तर काल में हुआ था। महापरिनिर्वाण सूत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा 8 स्थानों पर स्तूप बनाए गए थे, जिन्हें 8 महास्थायी कहा जाता है। यह प्रारंभिक स्तूप थे जो काफ़ी साधारण थे और केवल मिट्टी के ढेर के रूप में बने हुए थे, वर्तमान में यह नष्ट प्राय हो चुके हैं। मौर्य काल में काफ़ी बड़ी संख्या में स्तूप बन रहे थे। बौद्ध परंपरा के अनुसार बौद्ध साहित्य का अशोक ने अपने शासनकाल में लगभग 84,000 स्तूप बनाए। सांची, भरहूत, धर्मराजी के, चौखंडी आदि महत्वपूर्ण स्तूप अशोक के समय ही बनवाए गए। अशोक के समय स्तूपों पर ईंट बिछाई गई थी, लेकिन अभी भी इनका भव्य विकास नहीं होता। लेकिन मौर्य उत्तर काल में विशालता के साथ साथ भव्यता और कलात्मकता, अत्यधिक खूबसूरत स्तूप का निर्माण देखते, इससे पूर्व तक इसके बाद इतने बेहतर स्तूप किसी भी कालावधि में नहीं बने। इस काल में शुंगों के संरक्षण में सांची और बरूद के स्तूपों का और अधिक बड़ा बनाया गया था। उसके तोरण द्वारों और वेदिकाओं पर हीनयान परंपराओं, जातक कथाओं का और आम विषयों का और लोक जीवन के विषयों को आधार को कलात्मक रूप से करा गया। सातवाहनों के संरक्षण में अमरावती, नागार्जुन, कौंडा, घंटशाला तथा कुशाणों के संरक्षण में पेशावर, तक्षशिला और मौजूद आदि के स्थान पर अनेक स्तूपों का निर्माण। गुप्त गुप्तोत्तर काल में भी स्तूप निर्माण परंपरा जारी रही, लेकिन इसकी कलात्मकता में गिरावट आने लगी, और गुप्त काल में दमेक स्तूप जो सारनाथ में स्थित है बनाए गए थे। पूर्व मध्य काल के स्तूपों का निर्माण नहीं हुआ, और अंततः धीरे धीरे ये कला कमजोर हो गई। अर्थात स्तूपों का स्वर्ण काल मौर्य उत्तर काल को ही माना जाता है। इसी प्रकार मौर्य उत्तर काल में भी मंदिर के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। कला के अनेक रूपों शैलियों का अद्भुत विकास हुआ था। स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला और अन्य सब का कारण राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कारण से विकास हुआ। मंदिरों का नींव भारत में पहली बार मौर्य उत्तर काल में रखी गई थी। इस काल में बने मंदिर घास, फूस, बांस, बली, कच्ची ईंटों के प्रयोग से बनाए गए थे। प्रारंभिक मंदिर होने के कारण काफ़ी साधन प्रकार के मंदिर थे। इस काल में भी मंदिर बने, जिस मुख्य तक्षशिला का जड़ियाल मंदिर, नागार्जुन कोंडा का मंदिर, राजस्थान का नागरी मंदिर और विदिशा का वैष्णगर का मंदिर, ये सभी मंदिर ईंटों से बने। मंदिर निर्माण का प्रादुर्भाव मूर्तिकला के बाद लोगों ने किसी संत महात्मा, बोधिसत्व और भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए सबसे पहले मूर्तियों का निर्माण हुआ था, और जब मूर्तियों का निर्माण हो गया तो मूर्तियों को स्थापित करने के लिए भवन की आवश्यकता महसूस हुई, और इसी के कारण मौर्य उत्तर काल में मूर्तिकला के विकास के साथ ही
मंदिर निर्माण का प्रारंभ हो गया था, लेकिन मंदिर निर्माण कला के कुछ दर्शन ही इस काल में प्रतीत होते हैं। मंदिरों का सर्वांगीण विकास या मंदिरों का अधिक विकास गुप्त काल और उसके बाद में होता है। इसी प्रकार चैत्य व्यभिहार बौद्ध धर्म से संबंधित जुड़े हुए हैं। इस प्रकार स्तु भी बौद्ध धर्म का है, वही इसी प्रकार चैत्य और व्यभिहार बौद्ध धर्म से संबंधित है। चैत्य एक प्रकार बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है और विहार बौद्धिस्तों का निवास स्थान है, बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणियों का निवास स्थान है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता। चैत्य मृत्यु का प्रतीक समाधि युक्त संरचना होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। चैत्य सामान्यतः दो प्रकार होते हैं, एक संरचनात्मक चैत्य और एक शल्यकृत चैत्य। संरचनात्मक चैत्य खुले में घास फूस बांस बली आदि से झोपड़ी नुमा आकृति जो समाधि के ऊपर बनाई जाती है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। और दूसरी शल्यकृत चैत्य ये भव्य और कलात्मक होती है, पहाड़ी को सामने की तरफ से काट कर बनाया जाता है, जिसमें अंतिम सिरा अर्ध वृत्ताकार होता है, किनारे पर स्तूप बना होता है और प्रवेश द्वार कीर्ति मुख व खिड़की बनी होती है। इस चित्र के अंदर शल्यकृत चैत्य का दर्शाया गया है, इसमें कीर्ति मुख होते हैं, इसमें खिड़की होते हैं, इसमें स्तूप होते हैं, इसमें स्तंभ होते हैं, इसमें प्रदक्षिणापथ होते हैं। मौर्य उत्तर काल में पश्चिमी तट पर अनेक चैत्य व विहार तथा पूर्वी तट पर अनेक विहारों का निर्माण होता है, अर्थात महाराष्ट्र में चैत्यों का विकास बांजा कारली आदि अत्यधिक विकास होता है। सह्याद्री की पहाड़ी है, इस पर चैत्यों का सर्वाधिक विकास होता है। उसी प्रकार उदयगिरी और खंडगिरी में भी यहाँ पर विहारों का निर्माण होता है। सातवाहनों के संरक्षण में अनेक चैत्य विहारों का निर्माण महाराष्ट्र और इस भारत के पश्चिम तट पर सह्याद्री पहाड़ी में बांजा कारले जुन्नार पित्तल खीसगर आदि जगह पर कई चैत्यों का ये विहारों का निर्माण किया गया था। इसी प्रकार उड़ीसा में खंडगिरी व उदयगिरी पहाड़ी में खारवेल द्वारा 35 गुफाओं के विहारों का निर्माण किया गया था, जिसमें हाथी गुफा रानी गुफा आकाश स्तंभ पताल पुरी आदि प्रमुख है। इस प्रकार बौद्ध पूजा स्थल चैत्य का विकास बीसवीं शताब्दी मौर्य उत्तर काल में होता है। इसी प्रकार विहार या आश्रम या संगारम ये भी बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणियों के लिए रहने का एक स्थान होता था। मुख्यतः यह भी दो प्रकार होते थे, एक संरचनात्मक विहार और दूसरा शल्यकृत विहार। संरचनात्मक विहार तो खुले धरातल पर घास फूस बल्ली आदि से झोपड़ी निर्माण होता था और शल्यकृत विहार पहाड़ी को काट कर निर्माण किया, जिसमें मुख्य द्वार बरामदा कई कमरों से बने हुए होते हैं, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। इस प्रकार इस मौर्य उत्तर काल में कला के हर क्षेत्र में सर्वाधिक विकास होता। मौर्य उत्तर काल कई वर्षों पहले तक एक अंधकार में काल कहा जाता, क्योंकि इसके साक्ष्य बहुत कम मिले थे, लेकिन अब विदेशी इतिहासकारों यहाँ के प्रातत्व सामग्रियों और कुछ संस्कृत साहित्यों बौद्ध साहित्यों के अध्ययन अध्यापन से अब इस काल की कला और अर्थव्यवस्था के योगदान वास्तव में गुप्त काल से भी अत्यधिक माना जाता है। हम आज कला को यहीं पर विराम देते हैं और अगली क्लास में मूर्ति कला के अध्ययन के साथ ही मौर्य उत्तरकालीन भारत के इतिहास को समाप्त करेंगे। जय हिंद।